रामनगरी अयोध्या में दो दिनों तक हुई राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, तीन महीने की कार्य योजना पर मंथन करने के साथ साथ कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के समक्ष इंजीनियरों ने अब तक हुए कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। नृपेंद्र मिश्र ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों व निर्माण इकाई के इंजीनियरों के साथ मंदिर निर्माण व परिसर की भव्यता को लेकर चर्चा की। ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ परिसर की भव्यता की योजना पर चर्चा हुई। बताया कि फील्ड मटेरियल के संयोजन पर सहमति बन गई है। आईआईटी चेन्नई के रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मटेरियल में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहा कि राम मंदिर की नींव भराई का काम प्रारंभ हो चुका है। अभी एक फुट की लेयर डाली जा रही है। एक फुट की मोटी लेयर डालने के बाद उस लेयर पर 12 टन का रोलर चलेगा। रोलर चलने से एक फुट ऊंची लेयर बैठेगी जो 12 इंच से 10 इंच हो जाएगी। बैठक समाप्त होने के बाद ट्रस्ट के अनिल मिश्र ने बताया कि राम मंदिर की नींव भराई का काम प्रारंभ हो चुका है। 55 फुट नींव भराई का कार्य सितंबर माह तक पूरा हो जाएगा। प्रभु राम के मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति, आगे आने वाले समय में काम की दिशा, कार्यदायी जो संस्थाएं दोनों काम कर रही हैं, लार्सन एंड टुब्रो, टीसी, डिजाइन एसोसिएट, इनके साथ बैठ करके राम मंदिर परिसर के विकास के संबंध में अन्यान्य विषयों पर चर्चा हुई है। अभी ये बैठक आज चल रही है। बैठक के विषय में अभी तक जो निर्माण हुआ है उस पर चर्चा हो चुकी है। अभी आगे निर्माण की दिशा में आने वाला मौसम कैसा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस विषय में हमारे सब निर्माण की एजेंसियों के साथ वार्ता हुई है। वो इस विषय में अपनी दृष्टि से की गई तैयारियों को उन्होंने रखा है। अभी 3 बजे से जो बैठक होने वाली है उसके बाद हम आपको एक प्रेस विज्ञप्ति भी कुछ बिंदुओं को संग्रहित करते हुए देंगे। फिर आपको आज की 2 दिनों की बैठक की समीक्षा की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। बैठक में 2.5 महीने के वर्षा काल में राम मंदिर निर्माण के कार्य में बाधा न आने पाए, इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई है। बैठक में ट्रस्टी अनिल मिश्र, डीएम अनुज कुमार झा समेत एलएनटीटीसी डिजाइन एसोसिएट्स के इंजीनियर शामिल रहे।